Hello student, good morning. Today we will read Math Magic Workbook. Please take out your page number. Page number 64. Put right for the similar shape. यहाँ पर जो शेप दिए गए हैं हमें उनको इस शेप से मैच करना है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं हमें उनको मैच करना है। यहाँ पे सर्कल दिया है, यहाँ हमें कॉइन सर्कल जैसा है इसलिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल दिया है इसलिए हम यहाँ पे ट्रायंगल पर टिक करेंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल शेप दिया है तो यहाँ हाउस पे रेक्टेंगल है इसलिए हमें रेक्टेंगल पर टिक करना है। यहाँ पर स्क्वायर दिया है इसलिए हमें यहाँ पे स्क्वायर पर टिक करना है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो हमें यहाँ पर जो शेप दिया गया है और जो शेप में जो कलर दिए गए हैं हमें वहाँ यहाँ इस जो ड्राइंग में जो जो शेप जैसे वैसे हमें यहाँ पर कलर करने हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल रेड कलर में है तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, हमें उनको रेड कलर से करना है। यहाँ जो ट्रायंगल दिया है उसको हमने रेड से कलर कर दिया है। यहाँ भी देखिए कॉलर उसका रेड में है तो हम ये रेड कलर कर देंगे ट्रायंगल में। हमें यहाँ पे ये रेड कलर कंप्लीट करना है, फिर ये सर्कल में ग्रीन कलर करने के लिए बोला है तो यहाँ पर ग्रीन कलर सर्कल जहाँ जहाँ है हम ऐसे ग्रीन कलर कर रहे हैं। यहाँ भी सर्कल है ग्रीन कलर, ऐसे ही हमें सारे करने हैं। जो यहाँ पर शेप में हमें कलर बताए गए हैं हमें यहाँ भी वही कलर शेप में करने हैं। यहाँ पर कंप्लीट द पिक्चर यूजिंग डिफरेंट शेप एंड कलर इट। यहाँ पे ये ऐसी पिक्चर बनाई गई है उसको यहाँ पर कंप्लीट किया गया है शेप से। जैसे यहाँ पर स्क्वायर शेप दिया है, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप दिया है, आईज़ के लिए सर्कल दिया है, नोज़ के लिए ट्रायंगल, रेक्टेंगल मुंह के लिए, वैसे हमें यहाँ भी जो पिक्चर दिए हैं उन्हें कंप्लीट करने हैं। यहाँ सर्कल में मैंने भी यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल यूज़ किया है, यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर रेक्टेंगल, वैसे आपको भी ये दोनों पिक्चर कंप्लीट करनी है। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे के पिक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ड्रॉ एंड कलर एज़ पर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है पहले ये जो पिक्चर दी गई है इसे ड्रॉ करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। उसके बाद जो कलर है ब्लू ट्रायंगल में, स्क्वायर में ग्रीन, वैसे हमें कलर फिर करने हैं। ऐसे आपको सारे पिक्चर यहाँ ड्रॉ करने हैं फिर कलर करने हैं इंस्ट्रक्शन के इंस्ट्रक्शन को देख कर जो दिया गया है हमें वैसे कलर यहाँ पर करने हैं। ओके, थैंक यू।